क्विडल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम 5 मजेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे। अभी पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। भुवन अपनी 3 बेटी टीना, मीना और रीना के साथ रहता है। एक दिन उसके नौकरानी को भुवन मरा हुआ मिलता है। डिटेक्टिव वहां तहकीकात के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि जमीन पे कुछ लेटर्स खून से लिखे हुए हैं और उसके वहाँ टी बैग और टी स्पून भी रखा हुआ है। डिटेक्टिव सोचते हैं कि ये तो मर्डरर का नाम लिखा हुआ है और उन्हें शक उनकी 3 बेटियों पर होता है। दोस्तों, क्या आप इन क्लूज को देखकर बता सकते हैं कि आखिर भुवन का खून कौन सी बेटी ने किया होगा? एक बार अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट करिए। यहाँ ध्यान से देखिए, लास्ट में लिखा है NA, जो कि तीनों के नाम में कॉमन है, पर यहाँ टी बैग और टी स्पून रखा है, यानी भुवन उससे टी बताना चाह रहा था, तो नाम बन गया टीना, तो यानी टीना ही खूनी है। क्या आपने इसे सॉल्व कर लिया था? तो अभी ये पहेली सॉल्व कीजिए। आपके पास 4 कॉइन्स है, आपको इन्हें 2 लाइन में लगाना है, पर कंडीशन ये है कि हर लाइन में 3 कॉइन्स होने चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा आप कैसे कर पाएंगे? एक बार अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करिए। देखिए, पहले तो आप इन 3 कॉइन्स को ऐसे L शेप में लगा दीजिए, तो ये 2 लाइन बन गई। और अब इस एक कॉइन को इस बीच वाले कॉइन के ऊपर रख दीजिए, तो अब हर एक लाइन में 3 कॉइन्स हो गई। क्यों थी ना मजेदार? अभी अगली पहेली देखते हैं। रोहित एक छोटे टाउन से ECL कंपनी में इंटरव्यू देने आया था और कृष्णा मुंबई से उधर इंटरव्यू देने आया। रोहित की इंग्लिश स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो थोड़ा घबरा रहा था। उन दोनों को साथ में अंदर बुलाया गया। इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। रोहित की इंग्लिश इतनी अच्छी ना होने के कारण वो अच्छे से अपने बारे में नहीं बता पाया, पर कृष्णा ने अच्छे से इंग्लिश में बता दिया। फिर इंटरव्यूअर ने उनसे एक इंग्लिश रिडल पूछा, टर्न मी ऑन माई साइड एंड आई एम एवरीथिंग, कट मी इन हाफ एंड आई एम नथिंग, व्हाट एम आई। रोहित को इसका आंसर आता था, पर इंग्लिश अच्छी ना होने के कारण वो कुछ नहीं बोला। पर कृष्णा ने इसका आंसर इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट करें। कृष्णा ने इसका आंसर 8 बताया। अगर आप 8 को टर्न करेंगे तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी सब कुछ, और अगर आधा काट दोगे तो 0 बन जाएगा, यानी कुछ नहीं। और ये बताने के बाद कृष्णा की जॉब लग जाती है, पर रोहित का जॉब नहीं लगता। जब दोनों बाहर जाते हैं तो रोहित कृष्णा से कहता है, मेरी इंग्लिश फ्लुएंट ना होने के कारण मुझे जॉब नहीं मिली, पर आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी? मेरे साथ तो इंग्लिश में बात करने वाला भी कोई नहीं है। तो कृष्णा कहता है, मेरे साथ भी इंग्लिश में बात करने वाला कोई नहीं है, इंग्लिश तो मैंने इंगवार्ता ऐप से सीखी है। ये इंगवार्ता ऐप क्या है? इस ऐप पर तुम्हें लाइव इंग्लिश एक्सपर्ट्स मिलते हैं, जो इंग्लिश सीखने में तुम्हारी मदद करेंगे। अभी तुम्हें इंग्लिश आती तो है, बट हेजिटेशन की वजह से बोल नहीं पा रहे हो। इंगवार्ता ऐप पर एक्सपर्ट्स तुम्हारे हेजिटेशन को दूर करेंगे और तुम्हें कॉन्फिडेंटली बोलना सिखाएंगे, और जल्दी ही तुम भी इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे मेरी तरह। बस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो और ऐप में प्लान सब्सक्राइब करने के बाद इस बटन को प्रेस करके तुम जब चाहो एक लाइव इंग्लिश एक्सपर्ट के साथ बात कर सकते हो। वाओ, ये तो बहुत अच्छा ऐप है, मैं अभी इसे डाउनलोड कर लूंगा। अगर आपको भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो अभी इंगवार्ता ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं।
इस इमोजी को देख के एक लड़की का नाम बताइए। तो अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करिए। आंसर है दीपा, दीपा। ये तो बहुत इजी था। अभी इस लड़की का नाम बताइए और आंसर कमेंट करिए। यह है शू, रू, टी, तो बन गया श्रुति। अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। एक तरफ पापा अपने बेटे को कम नंबर आने पे डांट रहे हैं और एक तरफ मम्मी अपने बेटे को कम नंबर आने पे डांट रही है। क्या आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि दोनों में से कौन अच्छे होते हैं, पापा या फिर मम्मी? एक बार अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करिए। हमें हमारे पेरेंट्स हमारी भलाई के लिए ही डांटते हैं। अच्छे मार्क्स आने से तो हमारा ही भला होगा। तो मेरे ख्याल से तो दोनों ही अच्छे होते हैं। इसमें आपका क्या कहना है जरूर कमेंट में बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इन वीडियोस पे क्लिक करिए और बाकी और मजेदार पहेलियां देखिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।